सिद्धपीठ सालासर धाम में आज आदर्श विद्या मंदिर के इस भव्य उद्घाटन समारोह में राजस्थान के पंचायती राज मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़ जी पहुंचे हैं और निश्चित रूप से एक क्रूशियल टाइम है क्योंकि चुनाव की घोषणा हो चुकी है। ऐसे में हर मंत्री के लिए समय निकालना काफ़ी मुश्किल रहता है, लेकिन एक अच्छे कार्यक्रम में उन्होंने अपनी भूमिका यहाँ पर अदा की है। बातचीत करते हैं सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। चुनाव की बिगुल बज चुकी है, क्या लग रहा है, किस तरह का माहौल नजर आ रहा है? जिस प्रकार के विकास के आयाम स्थापित हुए हैं, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी पुनः सरकार बनाएगी। इस ज़िले के अंदर पिछली बार 2 सीटें हम जीत नहीं पाए, इस बार 6 की 6 सीटें जीतेंगे। इस संकल्प के साथ हमने अपने चुनाव अभियान को अभियान का श्री गणेश किया है, हम इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। सर, मैं राजस्थान में कहा कहीं ना कहीं लग रहा है कि बीजेपी का, खासतौर से मुख्यमंत्री जी का विरोध अनेक कार्यक्रम में देखने को मिला, आपको नहीं लगता है? मैं नहीं समझता किसी प्रकार का कोई विरोध होगा, बल्कि लोग साधुवाद देते हैं। उनकी गौरव यात्रा को हमने देखा, जिस प्रकार लोग उमड़ घुमड़ कर आए, सिद्ध कर दिया कि राज्य के वो सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है। सर, एक चर्चा चल रही है कि आप अपना विधानसभा क्षेत्र बदलना चाहते हैं, क्या सही? नहीं, हमारे यहाँ विधानसभा क्षेत्र बदलने का अधिकार किसी उम्मीदवार को नहीं है। हमारा संसदीय बोर्ड तय करेगा, वहाँ से चुनाव लड़ेंगे।